चीजें में आपको उन दिनों जो टीचर्स थे सबसे अधिक किसने प्रभावित किया? देखिए, मेरे लिए मेरी कैरियर में जो मेरे ड्राइंग टीचर थे मेरी स्कूल के, मुकुंद श्रॉफ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे एस बी पलसीकर। पलसीकर जे जे में आने के बाद ही वॉज ए ग्रेट टीचर। और मैंने आज तक सुब्रमण्यम साहब के बाद या उनके साथ किसी का नाम दे सकता हूँ तो सुब्रमण्यम साहब, के जी सुब्रमण्यम एंड पलसीकर जैसे मैंने टीचर देखे थे आज तक। तो उनकी क्या खासियत थी? सिर्फ उस जमाने में वो थोड़े पुराने जमाने के टीचर थे, वो डांटते थे, इंसल्ट करते थे, हाँ, मगर करके दिखाते थे। उनकी टीचिंग में सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर पोर्ट्रेट कर रहे हैं और किसी ने बहुत खराब पेंटिंग किया तो खुद सुटेड बुटेड है, बस सीधा डांट के अपमान करते थे, बोले उठो यहाँ से, और वो इजल पे बैठ जाके पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, वो हमारे लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे उन्होंने ब्रश उठाया, आप सब स्टूडेंट उनके पीछे जाके खड़े रह जाते। तो कभी उन्होंने आपको डांटा? हाँ, मेरा तो एक्चुअली पहला ही अनुभव उनके साथ उनके स्वभाव के हिसाब से ही हुआ कि मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, मैं थर्ड ईयर में था, वो फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के टीचर थे और वो अंदर के क्लास थे, जहाँ मंडे के दिन मॉडल खड़ा रहता था, आपको सातों दिन करना है। तो किसी ने बोला आप अगर मंडे के दिन वहाँ जगह ले लेते हो तो आप जाके वहाँ काम कर सकते हो, मैं क्योंकि वहाँ एक जो टीचर है ना वही कमाल है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन किसी ने दी और वो पड़सीकर थे। तो मैं पहुंच गया मंडे के दिन और पहला दिन होता है हमारा चारकोल ड्राइंग का, तो मैं ऐसा बोर्ड पे कैनवास पे हाथ टिका के ड्राइंग चारकोल पकड़ा था और फ्लोर था वो वुडन फ्लोर था और वो थोड़े हाई हील के जूते पहनते थे और जब आते थे तब खाट 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 करके आवाज़ होता था। तो सडनली वो आए और मेरे पीछे से काम देख के ही ऐसा जोर से चिल्लाया कि ये क्या हो रहा। तो मैंने डरावना एक आवाज़ था, मैंने कहा कि सर क्या, बोले चारकोल पकड़ना नहीं आता। तो मैंने कहा मैं अभी अभी अहमदाबाद से आया हूँ और मेरे कोई टीचर ने ये बताया नहीं, तो इसलिए मैं गलती लाओ। तो चारकोल दिया, दो चार स्ट्रोक मारे, चारकोल आधा टूट के नीचे, मेरे सामने नहीं देखते थे, सिर्फ हाथ करते थे। तो ऐसा मैंने कुछ तीन चार बार दिया, पांचवी बार में चारकोल ही मेरे ख़त्म हो गए, आधे तो टूट गए। जब उन्होंने पांचवी बार हाथ किया और मैंने कहा सर चारकोल तो ख़त्म हो गए, तो जो टुकड़ा था वो उन्होंने फेंका और बोला तुम पेंटिंग करना बंद कर दो, छोड़ दो, और खाट खाट करके चलने लगे। तो जब जा रहे थे तब मैं मन में बोल रहा था कि गुरुजी अगर सीखना है तो आपसे ही सीखना है। फिर कभी एक आध बार अपना जो बेस्ट स्टूडेंट था मधु पौड़े करके, उसको कुछ बात कर रहे थे कि भाई ज़रा घर आना, वो कैनवास स्ट्रेच करना है, तो मैं बीच में बोल पड़ा कि मैं भी आऊँ सर। तो उन्होंने हाँ करा और हम गए कैनवास। उनको विधानसभा के लिए टिड़क का फुल साइज पोर्ट्रेट करने का कमीशन मिला होगा, तो वो हमने हेल्प कराई, कैनवास स्ट्रेच किया। एक महीने के बाद मैंने पूछा कि सर वो पोर्ट्रेट पूरा हो गया, तो अगेन मुझे डांट के बोलते पोर्ट्रेट कभी एक महीने में पूरा होता है, अभी खाली ड्राइंग हुआ है। तो मैंने फिर से पूछा कि मैं देख रहा हूँ, उन्होंने हाँ करा, मैं गया, मैंने बिलीव ही वॉज अ मास्टर ऑफ चारकोल। मैंने एक मलमल के पर्दे के पीछे टिड़क खड़े होने इतना कमाल का ड्राइंग चारकोल से किया हुआ। और मुझे बोलते थे, थोड़ा थे मिजाजी शो ऑफ, देखा अगर धोती खद्दर की है तो खद्दर की बनी हुई है, 120 नहीं लगती, और चारकोल कितना सॉफ्टली यूज़ किया है कि एक टक्कर मारो नीचे आ जाना चाहिए। बाद में तो फिर बड़े अच्छे रिलेशन रहे और कलर हैंडलिंग उनकी दो, अगर कोई लीनियर काम करते थे तो भी कमाल का था, और उनका हाथ भी दो, अभी उनका रिट्रोस्पेक्टिव देख के आया हूँ, तो एक बार जो इधर रफ काम करेंगे या लीनियर करेंगे, वो संस्कार अभी भी मेरे दोनों
जगह में, अभी लैंडस्केप करूँ तो इस तरह का रफ करूँ, कभी इस तरह का लीनियर ड्राइंग करूँ। तो ये संस्कार बिल्कुल उनके है कि हाउ टू हैंडल मटेरियल और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए।